हेलो माय डियर पेरेंट, आज हम आपके सामने स्क्वायर के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्क्वायर कैसे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति कंपटीशन में है उसे देखना बहुत ही जरूरी है, स्क्वायर कितने हम जल्दी से जल्दी निकाल सकें, क्यूब कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकें और वर्गमूल कैसे जल्दी से जल्दी निकालें, ये सब पॉइंट हम वीडियो के अंत तक दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया। देखिए स्क्वायर, दोस्तों जब भी आपको स्क्वायर निकालना तो हमारा तीन बात जरूर ध्यान देना, क्या क्या। देखिए, जब भी 100 से 125 के बीच में लाइन हो गई उसके बाद नंबर एक स्टार करके लिखना। दूसरा पॉइंट, जब 50 से 75 के बीच में हो वैल्यू। तीसरा पॉइंट, जब 100 से तीसरा पॉइंट 25 से 50 के बीच में हो। ठीक, ये तीन पॉइंट है दोस्तों, इसके माध्यम से आप चाहे जितना भी स्क्वायर जिस नंबर का भी निकालना हो आप चुटकियों में सॉल्व करके रख देंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर हमें इसका सबसे पहले हम इसका बताते हैं दोस्तों, 100 से 125 तक का कैसे स्क्वायर निकालते हैं। देखिए दोस्तों, 100 से 125 के बीच में जब भी नंबर दिखे आपको क्या करना है, इसका जो बेस मानेंगे आप 100 मानेंगे, इसका बेस आप 100 मानेंगे। अब बात ध्यान से सुनना, जब भी 100 से 125 के बीच में जब आप वैल्यू का स्क्वायर निकालना हो तो उसका बेस 100 मानेंगे। अब ये देखना कि 100 से 125 के बीच में कौन सा नंबर है। ठीक, 100 से देख लो, मान लो अगर वो नंबर आपके सामने 101 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, 101 का स्क्वायर निकालना, तब देखिए 100 से कितना ज्यादा है, एक नंबर, 100 से एक ज्यादा है। ध्यान देना, जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उसको अभी लिखेंगे आप ध्यान। 100 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर राइट साइड आप लिखेंगे, एक का स्क्वायर राइट साइड में आप लिखेंगे। अभी बताते हैं कैसे लिखना है आपको, जब भी आप नंबर को लिखेंगे एक सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है आपको, आपको दो डिजिट में लिखना है, दो डिजिट में लिखना। अगर एक का स्क्वायर एक होता है तो एक बनाने के लिए उसके आगे जीरो लगाना है तो एक बनेगा, जीरो एक, दो डिजिट में लिखना है। ठीक, अगर दो डिजिट का नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आपको दो नंबर वैसे एट डिजिट लिख देना है। अगर वो तीन नंबर का सर वैल्यू हुआ तो क्या करेंगे, नहीं कुछ नहीं करना भैया, आपको मैंने कहा केवल दो डिजिट का नंबर लिखना है और राइट साइड से दो अंक उठाना, और जो बचा है तीन अंक में, तीन नंबर का जो डिजिट है वो बचा है, जो आप उसके जो दो आपने लिखा जो दो डिजिट नंबर उसके आगे उसको हाथ से लगा देंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे करते हैं हम, ये पॉइंट आपको ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना दोस्तों। और दोस्तों अब क्या करना सर, एक का स्क्वायर दो डिजिट में लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या करना सर, उसके बाद जो 101 का स्क्वायर निकाल रहे हैं और जितना ज्यादा है, जितना वैल्यू ज्यादा है उसी नंबर में 101 में एक ज्यादा है ना, एक ऐड करके जो 01 आपने लिखा है स्क्वायर राइट साइड में दो अंक, उसके आगे 101 में एक जोड़ के आप उसके आगे एड डिजिट लिखते हैं। कैसे, देखिए आप इधर देखिए, 101 का एक का स्क्वायर कितना होता भैया, एक का स्क्वायर एक होता, मैंने कहा क्या दो डिजिट में लिखना तो जीरो, ठीक दो डिजिट में हुआ, अब मैंने क्या था राइट साइड एक वन जीरो वन लिख दिया। उसके बाद सर क्या आपने बताया कि जो जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं उस नंबर में जो नंबर बढ़ा है उसको आप लिख देंगे, 101 एक बढ़ा है इसमें, एक दो जीरो, 102 हुआ, 102 को जो दो अंक लिखा है आपने नहीं खाता, जो अंक लिखा है आपने दो डिजिट का उसके आगे 102, ये हुआ 101 का स्क्वायर। और देखिए दोस्तों ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना। अब हम दो अंक का लिख बताते हैं, जैसे 4 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर कितना होता है, आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता भैया हमारा 16, अब तो ये दो डिजिट पहले से ही है, इसे जीरो बढ़ाने का कोई जरूरत कोई मतलब नहीं निकलता है, तो सर 16 मैंने लिख दिया,
अब 104 में कितना जाते हैं 100 से, 104 100 से कितना जाते हैं, 4 जाते हैं, 4 लिख दिया मैंने, ठीक, 4 ऐड करके ऐड कीजिए इसके आगे लिख दो, 104 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। उसके बाद सर नहीं सर और बड़ा बताओ सर और बड़ा देखिए कैसे एक और बड़ा 115 नहीं सर 115 का बता गया। चलिए भाई 115 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 15 का स्क्वायर 225 मैंने कहा था अगर 3 अंक का होगा तब भी हमें राइट साइड में 2 अंक लिखना है 25 मैंने ऐसे लिख दिया बाबू 25 मैंने लिख दिया ऐसे। उसके बाद सर ये दो जो बचा था मैंने कहा था इस दो अंक के आगे आप उसको हासिल में ले लेंगे दो हासिल ले लिया मैंने। अब देखो सर 115 में कितना ज्यादा है 15 ज्यादा 115 में जब 15 ऐड के कितना हुआ बाबू 130 हुआ। अब देखिए बाबू मैंने कहा था जो 130 है उसके 125 के आगे लिख देंगे 130 इसको हासिल जो है चाहे उसी वक्त आप ऐड करके लिख दो या उसको लिखने के बाद 130 लिखने के बाद ऐड कर दो 5 2 2 3 1 ये हुआ 115 का स्क्वायर। अब लास्ट देख लो 125 का 125 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है 125 100 से कितना ज्यादा है 25 25 का स्क्वायर सर नहीं पता देख लो 25 स्क्वायर 625 कितना लिखना है 25 केवल लिखना है 25 मैंने लिख दिया सर। उसके बाद सर ये 6 बचा हाँ हाँसी लगा दो बाबू लगा दिया सर। उसके बाद 125 ज्यादा है 125 ज्यादा है 125 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब 150 इसी में ऐड कर दो कितना हुआ बाबू 5 2 6 5 1 15625 ये 125 का स्क्वायर हुआ ठीक। ये था 100 से 125 के बीच में जब भी नंबर दिखे तो आप इस तरह से करें। हम आपको लिख भी देते हैं कैसे मैंने बताया ये चीज नोट कर लो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप 10 सेकंड में 20 सेकंड में आप 125 के बीच में कोई भी नंबर आपको दिखे उससे ज्यादा भी रहेगा तभी आप फटाफट निकाल के चुटकियों में रख देंगे दोस्तों। देखिए मैंने क्या कहा ये पॉइंट जरूर लिख लेना स्टार मार्क करके लिखना मैंने क्या कहा कि जो नंबर 100 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करके जो नंबर 100 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करके दो डिजिट में लिख दे राइट साइड उसके बाद जिस नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसी नंबर में बढ़ा हुआ वैल्यू ऐड कर मतलब ऐड कर मतलब जोड़ कर
लिख दे, यही था स्टार पॉइंट करके लिखना। मैंने क्या किया, जब भी आपको 100 से 125 के बीच में आपको नंबर दिखे तो उसका वैल्यू, मैंने बेस वैल्यू जो बताया 100 मानना है, उसके बाद 100 मान के 100, अब 100 से कितना ज्यादा नंबर है उसका स्क्वायर करके आपको दो डिजिट में लिखना, उसका स्क्वायर करके राइट साइड बाबू ये हुआ, राइट साइड का बोलने का मतलब ये, राइट साइड दो डिजिट में लिखना, राइट साइड में दो डिजिट में आपको लिखना है, ठीक है बाबू, दो डिजिट में आपको लिखना है भाई। उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो रियल नंबर 101 का आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो एक ज्यादा है, उसी में एक नंबर ऐड करके इसके आगे लिख देना है 201, इसी वैल्यू को मैंने यहां लिखा है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अब आते हैं हम, अगर आपको जब 50 से और 75 के बीच में वैल्यू दिखे तो क्या करना है, ये पॉइंट आप देख लो ध्यान से, जब वैल्यू आपको 50 से 75 के बीच में दिखे तो क्या करना है, जब आपको 50 और 75 के बीच में वैल्यू दिखे तो आप क्या करना, इसका जो बेस मानना है आपको 50 लेना, का बेस 50 लेना। अब एक चीज ध्यान देना, बेस 50 लेना है, जैसे मान लो हमें 51 का हमें स्क्वायर निकालना है, 51 का स्क्वायर निकालना है, जब भी 50 और 75 के बीच में जो भी वैल्यू दिखे तो उसका बेस वैल्यू ध्यान देना 50 मानना। और उसके बाद अभी हम पॉइंट बताते हैं, ध्यान से सुनना, जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, मैंने वही पॉइंट करना है, एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर 0 1 लिखना है राइट साइड। उसके बाद अब देखना ये चीज और क्या करना है सर, जब आप अब देखना 51 का स्क्वायर निकाल है ना, अब जो बेस वैल्यू 50, तो वैल्यू बेस था कि 50 से ज्यादा कितना है, ठीक, कितना कम है, ये तो बेस वैल्यू एक मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं इससे कि कितना ज्यादा कितना कम है ये चीज, ठीक। और ध्यान देना, ये जो वैल्यू हमें इसके आगे पुट करना है, इस जगह पुट करना, उसे 25 से कंपेयर करेंगे, 25 से कंपेयर करेंगे, कैसे, अगर 50 से ज्यादा वैल्यू है तो कितना ज्यादा है, एक, तो 25 में आप एक ऐड कर देंगे 26 हो जाएगा, 25 में जब एक ज्यादा 26, तो ये 26 मैंने लिख दिया, ऐसे लिखना है, नहीं होता है तो देख लो 51 का 1 5 5 5, ठीक, अब देखो 1 0 6 2 है ना। अब मैंने ऐसे भी प्रूव करके आपको दिखा दिया कि अगर आपको विश्वास ना हो, ठीक, आइए और एक नंबर का निकाल के दिखाते हैं आपको, अगर हमें जान लो 55 का निकालना हो, चलिए देखिए 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक, 25 मैंने ऐड डिजिट लिखा। उसके बाद यहां क्या लिखना है सर, मैंने कहा आपसे कि जो बेस वैल्यू है 50 से 50 5 ज्यादा है, ठीक, उसके बाद 25 से कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर करेंगे वो 25 से कितना ऐड करेंगे या कितना घटाएंगे, कितना कम है कितना ज्यादा है, ये वैल्यू हम 25 से करेंगे कंपेयर, तो 25 से करेंगे ना, तो 25 कितना ज्यादा है 5, 50 से 5 ज्यादा है, इस 25 में ऐड करके लिखेंगे 10 3 30 30, ये 55 का स्क्वायर। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, जब भी आपको राइट साइड में जैसे ये 55 है,
ये वैल्यू राइट साइड हुआ ना, राइट साइड, ये हम राइट साइड बोलते हैं भाई, राइट साइड भी है ये, ध्यान देना राइट साइड। तो जब भी आपको राइट साइड फाइव वैल्यू मिले स्क्वायर निकालते समय, जिस जगह भी मिले आपको उसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे इसको लिखें 25, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट करें 25, और इस वैल्यू में, इस वैल्यू में 5 में जो आगे इसके आगे है उसमें 5 है, तो 1 बढ़ा के 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 5 30 ऐसे लिख देंगे, ठीक। और देखो जैसे 65 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब मैंने क्या कहा था कि ये 6 जो है, 6 से 1 वैल्यू बढ़ा के 7, 7 इस 7 6 7 42, 6 7 42 ऐसे लिखते हैं, 65 का स्क्वायर 42 25, ठीक। और देखो जैसे 75 का स्क्वायर 25, कितना ज्यादा है, 7, इसके आगे 7 है ना, इस 7 में 1 वैल्यू बढ़ा के, जो भी 5 के आगे वैल्यू दिखे आप उसमें 1 इंक्रीज करके उसका मल्टीप्लाई कर दें, 8, 8 से 8 7 है 56, ये हुआ 56 25 75 का स्क्वायर। ये 5 का निकालने का इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो आप जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक। अभी समझ में, अभी देखो एक वैल्यू और देखो तब समझ में आएगा। जैसे 85 का निकालना, मैं निकाल गया इस राइट साइड 5 का स्क्वायर निकालें 25, उसके बाद ये जो 8 आपको दिख रहा, 8 दिख रहा, 8 8 के बाद कितना आता है 9, 8 के बाद 9, एक अंक बढ़ाने का मतलब 8 है, एक अंक बढ़ाएंगे 8 में 9 हो जाएगा, इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, कितना हो गया 9 है 72, ये 72 हो गया, 9 है 72, ये हो गया 72 25 इसका स्क्वायर, ठीक। ये पॉइंट था दोस्तों, मैंने बताया ऐसे, देखिए मान लो कितना था 75, मैंने 75 का भी बताया आपके सामने कि 75 का स्क्वायर 25 56। अब इस टाइप से बताते हैं जिस टाइप से बेस वैल्यू मैंने माना था, देखिए 75 कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो मैंने 25 लिखा और 6 कॉमा ले लिया, ठीक। उसके बाद क्या करना है, 25 में कितना ज्यादा है, 25 में 25 ज्यादा लिया, ऐड किया 50 हुआ ना, 50 हुआ, अब उसे जोड़ के लिख दे ऐसे 25 6 5 56 25, उस टाइप से भी आपका आंसर आया, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम इस टाइप से मूव करते हैं। ऐसे ही दोस्तों जब हम 25 से 50 के बीच में जब देखेंगे तो यही चीज आपको यही करना है दोस्तों, उस समय देखना है कि 50 से कितना कम जाते हैं और उसे 25, अगर देखो अगर ये 50 से ज्यादा है तो 25 में हम ऐड करें, अगर मैं कह रहा कि अगर ये 25 में कब ऐड करें, जब वो 50 से वैल्यू ज्यादा है ऊपर है तो मैंने 25 में ऐड करें, अगर वही वैल्यू जब मैंने बताया कि 25 से 50 के बीच में लाइज करेगा, मतलब 50 से कम होगा 49 हुआ, 48 हुआ, 36 हुआ, 25, 26 हुआ, ये सब वैल्यू आएंगे ना, तो क्या करना आपको 50 तो बेस वैल्यू मानेंगे, कंपेयर करेंगे कि कितना ज्यादा है कितना कम है, उसके बाद 25 में कम करके जितना भी कम वैल्यू होगा उतना घटा के 25 से आप उसके आगे लिख देंगे। यही था स्क्वायर निकालने का ट्रिक दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम और डिटेल्स में क्यूब निकालना कैसे निकालते हैं और अंडर रूट कैसे निकालते हैं और कैसे फ्रैक्शन का जो जैसे ये हमारा हुआ 144 का स्क्वायर कितना होता है 12, ठीक। जैसे मतलब अगर हमें ये सब पॉइंट आपको अंडर रूट में कैसे निकालते हैं, जो फ्रैक्शन में आते हैं वैल्यू, उसका निकालना हम बताएंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो, ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अपडेटेड वीडियो पाने के लिए। थैंक यू क्लास, हैव नाइस डे।